जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील गोदरी येथे 25 जानेवारीपासून सुरू असलेल्या बंजारा, लबाना व नायकडा समाजाच्या महाकुंभाचा आज दिनांक 3 जानेवारी रोजी समारोप करण्यात आला। या महाकुंभाच्या शेवटच्या दिवशी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगगुरु बाबा रामदेव यांची प्रमुख उपस्थिती होती। तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री काही कारणास्तव येऊ न शकल्याने त्यांनी कॉन्फरन्सच्या सहाय्याने उपस्थितांना संबोधित केले। त्याचबरोबर याप्रसंगी पूज्य बापूसिंग महाराज, जनार्दन हरिजी महाराज, गोपाल चैतन्यजी महाराज, गुलाबजी महाराज, श्याम चैतन्यजी महाराज, रामसिंगजी महाराज, यशवंतजी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवकचे सरदेवजी जोशी, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री नामदार गिरीश महाजन, विजयकुमार गावित यांच्यासह संत महंत तसेच बंजारा समाजासह इतरही समाजबांधव उपस्थित होते। धन्यवाद गुरुवर्य, आपके ही विचार समाज को मार्गदर्शित करते रहेंगे। अभी आपके सामने आ रहे हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर, नाथ संप्रदाय के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सुशासन आदर्शवादी रचयिता, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। माननीय योगी जी के भाषण के बाद बाबू सिंह महाराज समापन का भाषण करेंगे, उसके बाद देवेंद्र जी की होने वाली है, इसके बाद सभा पूर्ण होने वाली नहीं है। हेलीकॉप्टर उनका जल्दी जाए इसलिए उनको पहला दिया है। अंतिम भाषण पूज्य बाबू सिंह महाराज जी का होने वाला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, नमः पार्वती पतये हर हर। बंजारा कुंभ के आज के समारोप कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवा सरदेव भैया जी जोशी जी, पूज्य संत बाबू महाराज जी, स्वामी श्याम कुमार जी, स्वामी जनार्दन हरि महाराज जी, स्वामी गोपाल चैतन्य महाराज जी, स्वामी गुलाब महाराज जी, माने राम सिंह महाराज जी, स्वामी यशवंत महाराज जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के रचनाकार
धर्म जागरण के अखिल भारतीय प्रमुख सम्मानित श्री शरद राव ढोले जी, महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री श्री गुलाबराव पाटिल जी, मान्य मंत्री विजय कुमार जी, अरुण कांत जी, मान्य मंत्री और लोकप्रिय एमएलए श्री गिरीश महाजन जी, श्री रक्षा खड़से जी, यहां के सभी माननीय विधायक गण, पूज्य संत जन, बंजारा समाज और उनके प्रति सद्भावना रखने वाले धर्म जागरण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबका आज के इस कुंभ के आयोजन में मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुंभ का तात्विक जो भाव है वह सर्व सिद्धि प्रद कुंभ ही है, यानी जो सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर दे, सभी प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध करवा दे, वही कुंभ कहलाता है। और बंजारा कुंभ ने आज ये साबित कर दिया है कि अब भारत माता की रक्षा करने के लिए उसके पूज्य संतों, ऋषियों, महापुरुषों और क्रांति वीरों के संकल्प को अब धर्म जागरण के माध्यम से सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और आज का ये समारोह इस बात का उद्घोष कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली है कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म, सनातन धर्म, जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए इसलिए भी गौरव की बात होनी चाहिए, सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। आज हम उठ खड़े हुए हैं, ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है,
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा भारत जिस तेजी के साथ विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा। और जिस तेजी के साथ, जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है, 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उलता है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। भारत को यह गौरव मिल रहा है, हर भारतवासी को गौरव मिल रहा है और इसीलिए जहां यह भारत की ताकत वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है, वहीं याद करिए अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी। ये पंच प्रण गुलामी के अंश को सदैव को अकेले समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं ना, सरदेव भैया जी जोशी जी यहां मंच पर हैं, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने लाखों हिंदुओं को बलिदान देना पड़ा, पूज्य संतों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जब आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो पहले 5 फुट की संकरी गली थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 50 मीटर का चौड़ा गलियारा बन गया है। 1 लाख श्रद्धालु एक समय में वहां आ सकते हैं। ऐसे ही महाकाल का महालोक है, केदारनाथ धाम का, और देश के अंदर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था परंपरा से जुड़े हुए इन पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। यह है विरासत के प्रति सम्मान का भाव। हमने गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, लेकिन अब
अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है, और इसी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरा का दूसरे का धर्म हमेशा भयकारक होता है, भयकारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मनसा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मनसा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। हम सबको मिलकर के अपनी एकता के माध्यम से सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करना है, और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, कोई जाति भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अन्य भेदभाव नहीं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक होगा और एक स्वर से बोलेगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से अब रोक नहीं सकती है। दुनिया ने कोरोना कालखंड में भारत की ताकत का एहसास भी किया है, और उसी ताकत का एहसास आज धर्म जागरण आप सबको करा रहा है। बंजारा समाज हमारा आदि समाज है, इसने सम और विषम परिस्थितियों में कार्य किया है। देश की आजादी की लड़ाई रही हो, धर्म की स्थापना के किसी भी अभियान का रहा हो, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने का कार्य रहा हो, बंजारा समाज कभी अपने आप को पीछे नहीं किया है, हमेशा अग्रिम पंक्ति की सेना बनकर के वो लड़ता रहा है, जूझता रहा है, और यही कारण रहा है कि उसे बदनाम करने के लिए ब्रिटिश शासन काल ने तमाम और मुगल काल में भी तमाम तोहमत उसके ऊपर डाली गई, लेकिन अब देश स्वतंत्र है, अब हर एक को गले लगाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आप सबको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता है, अगर वहां धर्मांतरण करेगा तो उसे 10 वर्ष तक की सजा है। पहले किसी ने किया होगा उसको अब सजा हो रही है, और यही नहीं है, देखिए उत्तर प्रदेश में दंगे भी बंद हो गए, अब वहां दंगे नहीं होते, पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डालता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कोई करेगा अगले दिन हर चौराहे पे उसकी फोटो लग जाएगी, और तीसरे दिन बाप दादों की पूरी कमाई सरकार के कब्जे में आ जाएगी, और फिर सड़क पे उसको कटोरा लेकर के दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ अब कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता, 10 वर्ष की सजा है। ऐसे ही गौ माता पर कोई क्रूरता नहीं कर सकता, गौ हत्या नहीं कर सकता, गौ मांस कहीं परोस नहीं सकता है, अगर करेगा 10 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, और सख्त कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह भी सरकार की मंशा है, और उसी भाव के साथ हम कार्य भी कर रहे हैं। और आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, यहां पर देश भर से आया हुआ बंजारा समाज के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं, मैं उन सब से इस बारे में कहूंगा, याद रखना भारत के अंदर हम सब मिलकर के रहेंगे, अगर हमारा देश सुरक्षित है हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने
उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं बंजारा समाज के अपने भाइयों से कहूंगा कि एक बार फिर से अंगड़ाई लेने की आवश्यकता है, अपने पौरुष को जगाने की आवश्यकता है, समाज को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है, धर्म जागरण के सानिध्य में रह करके सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए, अपने पूज्य संतों का सानिध्य लेते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर हम मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारी एकता के माध्यम से कोई हमारी जनसंख्या की परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है, उस कानून में व्यवस्था हमने जरूर दी है कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू किसी अन्य मत और मजहब में चला गया, वो वापस आना चाहता है, उस पर एक कानून लागू नहीं होगा, वो वापस आ सकता है, उसकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन वह किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकता। और यह व्यवस्था जो दी है, उस व्यवस्था को हम सब मान करके कार्य करेंगे तो न केवल देश के अंदर अपने आप ही सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा का कवच है। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी यही प्रशस्त कर सकता है। और उसी भाव के साथ आज यहां पर ये बंजारा कुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ पिछले 6 दिनों से हो रहा है, मैं अभिनंदन करूंगा धर्म जागरण का, जिस प्रकार की भव्यता दिव्यता देखने को मिली, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ और बड़ी मात्रा में हर मत मजहब हर मत और संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतों ने आकर के, कई राज्यों से लोगों ने आकर के, प्रतिनिधियों ने आकर के इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। यह अभिनंदनीय है, सराहनीय है। धर्म जागरण के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं उनका आह्वान करूंगा इस गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलना चाहिए, एक मिशन मोड पर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम को मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। इस विश्वास के साथ आज इस बंजारा कुंभ के आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, आप सभी बंधुगण जो देश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं यहां पर इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद योगी जी, आपके इसी संबोधन से धर्म संस्कृति तत्व का पालन करने के लिए हम सब वचनबद्धित है, क्योंकि कहते हैं वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का उद्घोष खाली भगवान कृष्ण का ही नहीं था, आज हर एक बंजारा समाज का व्यक्ति, हर एक लबाना और हर एक नायकड़ा समाज का व्यक्ति संकल्प लेकर के जाएगा कि मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र में अधर्म को नहीं बढ़ने दूंगा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करूंगा। बोले सनातन धर्म की, जरा दोनों हाथ उठे, सनातन धर्म की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की।
मैं अभी आया था तो गुरुद्वारे में मत्था टेक करके आया, इसलिए मेरे साथ बोलेंगे जो बोले सो निहाल सत्री वाहे गुरु जी का खालसा। ऐसे आपको फतह करनी है अपने जीवन में, कभी भी आपको पराजित नहीं होना। वेद का उद्घोष है अहम इंद्रो ने पराजित किए, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, ये वेद का उद्घोष है। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहिता अस्माकं वीरा उत्तरे भवंतु। हमने वीरता के गीत गाए हैं, हमने कायरता को कभी भी अपनाया नहीं, इसलिए फिर से इस वीर समाज को, पराक्रमी समाज को, जिसके रग रग में शौर्य है, जिसके खून में ऋषित्व है, देवत्व है, ऐसे पूरे आप बंजारा समाज और विभिन्न समाज के यहाँ पर जो हमारे भाई बहन आए हैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे जो दायित्व दिया था उसका निर्वहन करता हुआ और इस संकल्प के साथ, जैसे जो संकल्प हमारे जगत गुरु जी ने कहा, जो संकल्प संघ का है, जो संकल्प धर्म जागरण मंच का है, जो संकल्प हर एक सनातन धर्मी का है कि हम सब सनातन धर्मी एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ करके, जैसा ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में भगवान ने उपदेश दिया, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागवता पूर्वे संजानानां वासुदे समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रेव समानेन वो हविषाजो होमि समानि वाकूति समाना हृदयानि वाह समानमस्तु वो मनः यथावस्तु साहसति। सबको साथ में मिलकर के सारे भेदभाव, सब ऊंच नीच, सब प्रकार की दीवारों को ढा करके हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे और इस सनातन धर्म का गौरव देश ही नहीं, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फैलाएंगे। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत प्रणाम। अभी मैं यहां आमंत्रित करना चाहता हूं इस कुंभ के प्रमुख मार्गदर्शक, जिनके माध्यम से यह कुंभ यशस्वीता की ओर जा रहा है, ऐसे अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख माननीय शेतराव जी ढोले साहब इनको। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, पूज्य रामदेव बाबा, अन्य संत और पांच दिनों से इस कुंभ में आने वाले सभी सारे श्रद्धालु, आज हम सांगता की ओर जा रहे हैं। जब ये कुंभ हमने तय किया था तो हमने सोचा था कि ये कुंभ राज्य की ये कुंभ होना नहीं चाहिए, और आज वैसा होता भी जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस कुंभ में आने के लिए माननीय योगी जी के साथ निकले थे, लेकिन उनको विमान उसको बिगाड़ होने के कारण वो जहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी अभी माननीय एकनाथ राव शिंदे और योगेंद्र जी से बात हुई है, वह हम सबसे कुछ समय के लिए वीसी से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम सभी का सौभाग्य ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष माननीय योगी जी का भाषण सुनने का, माननीय पूजनीय रामदेव बाबा का भाषण सुनने का सौभाग्य हमको मिला है। मैं भाग्यवान इसलिए हूँ कि धर्म जागरण में काम आने के पहले 3000 संतों का पहला सम्मेलन जो हमने सारे पूर्व भारत का किया था वो माननीय योगी जी के मठ में हमने किया था और योगी जी के मार्गदर्शन से हमने किया था। कोरोना के पहले हर साल धर्म जागरण के कार्यकर्ताओं का और संतों का साधु स्वाध्याय संगम हम करते थे। पूज्य योगी पूज्य रामदेव बाबा जी, जब मैं पहली बार मिलने के लिए गया तो उन्होंने पूछा कितने संत आएंगे, तो मैंने डरते डरते कहा कि 500 संत आएंगे, तो उन्होंने कहा 500 संतों का कार्यक्रम है तो यह जगह मिलने वाली नहीं है, 5000 संत लाओ। और हमने 5000 संतों का अभ्यास वर्ग पतंजलि योगपीठ में किया है,
इसलिए आग्रह पूर्वक हम दोनों को बोल रहे थे कि इस बंजारा कुंभ में आपने आना चाहिए। इसमें शुरुआत में पूज्य गुरु शरणानंद जी आए, पूज्य मुरारी बापू भी आ गए, हरि मुनि जी आ गए, पूज्य जितेंद्र नाथ जी आ गए, गोविंद गिरी जी आ गए, और इस कुंभ को यशस्वी करने के लिए लगभग देश भर के 700-800 संतों ने प्रयास किया है। उन सभी संतों को चरणों में मैं वंदन करता हूं और आजीवन उनके ऋण में रहना चाहता हूं। गत 5-6 दिन से ये जो कुंभ चला है, उस कुंभ में भोजन करके गए ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसी जनता की संख्या 8 लाख है, और जो भोजन करके नहीं गए, आए भाषण सुना और तुरंत निकल गए, ऐसे कुल मिलाकर 10 लाख लोगों ने इस 6 दिन में यह कुंभ का दर्शन किया है। ऐसे सभी श्रद्धालुओं के व्यवस्था करने के लिए संघ के और विविध बंजारा तंडाओं के 3000 कार्यकर्ता 6 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे सभी 3000 कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस कुंभ को यशस्वी करने के लिए गोदरी के अनेक किसानों ने लगभग इस कुंभ के लिए 500 एकड़ जमीन लगी है, तो 500 एकड़ जमीन गोदरी और फतेहपुर के आजू बाजू के सारे किसानों ने दिए हैं। कुछ किसानों ने तो एक फसल भी नहीं ली है, कुछ किसानों ने लगी हुई फसल इस कुंभ के लिए निकाली है। उनका कहना था इसलिए हम मुफ्त गोदरी के सारे किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कुंभ के पहले दिन 24 तारीख को कुंभ में आए हुए 50-60 संतों का निवास गोदरी परिसर के आजू बाजू में गांवों में रखा था, और उस गांवों में उनका निवास रखकर और उस गांव में उनका सत्कार समारंभ और बहुत बड़ा भव्य मिरौनुक निकली थी, कि जिस मिरौनुक में 40,000 लोग थे। ऐसे लोगों की भोजन की व्यवस्था गांव गांव में और गोदरी के नागरिकों ने की थी, इसलिए गोदरी परिसर के सभी गांव के निवासी और गोदरी परिसर और गोदरी के सभी निवासियों का भी मैं अत्यंत आभारी हूं। इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए शासन और प्रशासन का भी बहुत योगदान मिला है। सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, इसकी सुविधा शासन और प्रशासन ने की ही है। पुलिस ने बहुत अच्छी सुरक्षा यहाँ की गई है। आज के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सहमुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले थे, तो शासन के मुखिया के रूप में मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ आए हैं, एसपी भी है, उन दोनों का भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गत 6 दिन से पत्रकार आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं, यूट्यूब के मीडिया के पत्रकार भी आ रहे हैं, और यूट्यूब मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं इसीलिए ही माननीय देवेंद्र जी और एकनाथ जी की हम लाइव VC यहाँ कर पाएंगे, इसलिए उन पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा वाणी पूरी होने के पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्याम चैतन्य महाराज, पंजाबराव पवार और माननीय गिरीश महाजन इस मंच पर कुछ ही समय के लिए यहाँ पधारे, क्योंकि उनका कुंभ समिति की ओर से हमको सत्कार करना है। 6 दिन में जो भी सारे कार्यकर्ता आए, उन सभी कार्यकर्ताओं ने धर्म जागरण का और विशेषता मेरा नाम लेकर भी मेरा अभिनंदन किया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जगन्नाथ का रथ है, कोई भी एक कार्यकर्ता उसको खींच नहीं सकता। इस रथ को खींचने के लिए लाखों हाथ लगे हैं, और इसलिए ऐसे जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने गत 2-3 महीने में अपना ये कुंभ यशस्वी करने के लिए काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि के रूप में
एक सत्कार करने के लिए विदर्भ के यवतमाल जिले के श्रीमान पंजाबराव पवार को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से 20,000 लोगों की घर वापसी की है, इसलिए उनका यह सत्कार हम आयोजित कर रहे हैं। मैं माननीय भैया जी जोशी को प्रार्थना करता हूं कि वो पंजाबराव पवार का अभिनंदन करें। परम पूजनीय श्रद्धेय योगी जी एवं परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी बाबा, महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज, आदरणीय बाबू सिंह जी महाराज एवं इस धर्म मंच के इस प्रोग्राम को खड़े करने वाले आदरणीय शरद जी ढोले एवं समस्त मंचस्थ विराजमान सभी संतों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, गत 5 दिनों से ये अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा, लभाना बंजारा, नायकड़ा समाज और मध्य प्रदेश से बामणिया बंजारा और सकल बंजारा समाज, साथ ही सकल हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है। इस महाकुंभ में आज इस समाज के बड़े सौभाग्य है बंजारा समाज, सभी सकल समाज का, कि आदरणीय श्रद्धेय हमारे योगी जी हमारे बीच पधारे और श्री रामदेव जी बाबा हमारे बीच यहाँ पर आए हैं, उनका वक्तव्य हमने सुना। मेरे भाई बहन, बंजारा समाज का ये महाकुंभ 25 जनवरी से आज 30 जनवरी आज ये पूर्णता की ओर जा रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं के बहुत कुछ मेहनत रही, कुछ धर्म जागरण का कालखंड और हमारे साधु संत और धर्म जागरण के सभी स्वयं सेवक इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, इन सभी भागों में जा जाकर इस समाज को जागरूक करके इस महाकुंभ को संपन्नता की ओर लेके गए। इसलिए जो इस कुंभ में बहुत सारा विवरण अभी अभी हमारे आदरणीय शरद जी ने आपको सुनाया ही है, तो इस महाकुंभ का करीब करीब 6-7 महीने से ये तैयारी चल रही है और मैं खुद भी मेरे कई संतों के साथ इस कुंभ के लिए, इस समाज को जागृत करने के लिए, कि कहीं से बहुत, जब धर्म जागरण मंच ने इसका सर्वे किया तो इस समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा था, सनातन धर्म की ओर से इनको एक दूसरे धर्म की ओर मोड़ा जा रहा था, इसलिए संतों के समझ में और धर्म जागरण के मंच में ये ध्यान में आया कि अब और भी कुंभ हो चुके लेकिन बंजारा समाज का एक महाकुंभ हो जिसमें इस समाज को जागृत किया जाए, क्योंकि ये समाज सदियों से सूरवीर है मेरे भाई बहन, और इस समाज की गाथा बहुत कुछ गाई गई है। ये समाज राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ अपना जीवन का बलिदान किया है। इसी प्रकार से आज कहीं ईसाई लोग इस समाज में घुसकर घुसखोरी जो कर रहा है उसके लिए, समाज को जागृत करने के लिए, वैसे समाज तो जागृत है ही है,
क्योंकि ये सदियों का समाज है। देखिए इतना जागृत समाज है, एक आप हमारे ही समाज का पृथ्वीराज चौहान, जिसने सुल्तान को 17 बार हराया, और 17 बार हराने के बाद जब ये अपनी जीव की भीख मांगता था कि छोड़ दीजिए मुझे, तो ये कितना समाज दानी है। 17 बार ये सुल्तान को छोड़ दिया गया, और जब एक बार कुछ षड्यंत्र के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया, और जब कैद कर लिया गया तो ये समाज के सारे लोग जब सामने आए कि आपको 17 बार छोड़ा गया है, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये समाज के भीतर कितनी क्रूरता होती है, क्योंकि सनातन धर्म के साधु संत, सनातन धर्म में एक ये सिखाया जाता है दया, और पृथ्वीराज ने दया करके छोड़ दिया। लेकिन जब पृथ्वीराज को पकड़ा गया, इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को सुआ गरम करके उनकी दोनों आंखें फोड़ी गई। जब दोनों आंखें फोड़ दी गई और कारागृह में अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, कुछ दिन व्यतीत हुए और इनके प्रमुख व्यक्ति ने, चंद ने एक सोचा कि अब किस प्रकार से ये सुल्तान का अंतिम ये पृथ्वीराज करेगा। ये सोचकर जब चंद सुल्तान के पास पहुंचा कि महाराज देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें आपने फोड़ दी, लेकिन ये पृथ्वीराज आज भी बिना आंखों से बाण चला सकता है। आपको यदि ये प्रदर्शन देखना है तो आप देखिए। और ये सुल्तान चंद की बात माना कि मेरा पृथ्वीराज चौहान 7 घड़ियाल घंटे जो एक एक इंच मोटे थे उसको एक ही बाण में भेद सकता है। ये समाज की शूरवीरता देखिए मेरे भाई बहन। जब सारा समूह को बुलाया गया और सुल्तान का एक मंच बनाया गया, 7 घड़ियाल घंटे बांधे गए और पृथ्वीराज को लाया गया, आंख फूटी है, पट्टी बंधी है आंख पर, और धनुष बाण हाथ में दिया गया, और जब धनुष बाण हाथ में दिया गया, जब चंद ने कहा 4 हाथ 24 गज, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, ये समाज कितना शूरवीरता है। ये समाज ने राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, आखिरी आखिरी मेरा पृथ्वीराज चौहान क्या करने जा रहा है, देखिए 4 हाथ 24 गज, अष्ट है अंगुल प्रमाण, मत चूकिए पृथ्वीराज चौहान, उस पर बैठा है सुल्तान। जैसे ही कहा महाराज, जो हाथ जो घड़ियाल घंटे की ओर था वो ऐसे घूम गए एक सेकंड में, और वो सुल्तान को वहीं पर ठार कर दिया मंच पर। ये समाज, इनकी ज्ञान की आंखें, ये पृथ्वीराज चौहान आंखें फूटे हुए फिर भी अंतिम में इस सुल्तान को मारकर चंद गए, और कटियार निकालकर खुद भी मार दिए और वो भी अपने को मार लिए। ये समाज इतना शूरवीर है, ये किसी के आगे झुका नहीं, अंतिम भी उसने अपनी विजय करी पृथ्वीराज चौहान ने। तो मेरे भाई बहन, आज इस महाकुंभ का जो यहां पर ये संपन्नता की ओर जा रहा है, मैं कुछ इस भोले भाले समाज के लिए कहीं गांवों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे समझ में आया, सभी के समझ में आया, धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं कुछ अपनी बातें रखता हूं कि हर गांव में, हर तांडे में,
एक सेवालाल महाराज का मंदिर बने, हनुमान जी का मंदिर बने, इनकी धर्म को स्थापित करने के लिए एक ऐसे कहीं धर्म स्थल बने, और जहां जहां धर्म स्थल बने हुए समाज के उसको प्रकाशन में लाए केंद्र सरकार राज्य सरकार भी, और इस समाज के जहां जहां तांडे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये धर्म परिवर्तन इस समाज को, ये गरीब समाज है, वैसा उतना गरीब है लेकिन ये बहुत मेहनती समाज है, अपने कर्म पर विश्वास रखता है, अपने मेहनत पर विश्वास करता है, लेकिन सदियों से जो है इस समाज को कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर 300 घर जहां पर रहे वहां एक ग्राम पंचायत उनकी स्पेशल बने, उनकी ग्राम पंचायत स्पेशल बने, और उस तांडे सुधार के लिए कम से कम 50 से 60 लाख उस तांडे को दिया जाए, जिससे उस तांडे की, उस गांव की प्रगति हो, विकास हो। और कहीं आज मेरे समाज में झोपड़ियां ही झोपड़ियां है, उनको भी केंद्र सरकार राज्य सरकार उनको उत्थान करे, और जगह जगह एक स्कूल अच्छी सी बनाए, जो गरीब समाज का बच्चा शिक्षण से वंचित हो रहा है पढ़ाई से, वो पढ़ाई करे, और उनकी सुविधा हॉस्टल के द्वारा उस गरीब बच्चों को दिया जाए, ताकि वो गरीब बच्चा पढ़ लिख कर अपने समाज का विकास भी करे, अपने परिवार का विकास करे। और मैं ये समझता हूं जब बच्चे लिख पढ़ लेंगे तब कोई भी इस धर्म को परिवर्तन कोई नहीं कर सकता इस समाज को। तो मैं समाज से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, और एक जो सदियों से समाज को एक कलंक लगा है, इस समाज पर नॉन क्रिमिनलेट का एक्टर जो लगा हुआ है, जो कानून बना हुआ है, समाज चोर नहीं हो सकता है, व्यक्ति चोर हो सकता है, ये बात मैं मान्य करता हूं, लेकिन समाज चोर नहीं हो सकता है। इसलिए ये कानून को हटाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि इस समाज के ऊपर से ये कलंक हटाए, ये नियम हटा दे। और आदरणीय वसंतराव नाईक जी ने जो इस महाराष्ट्र में इस बंजारे समाज के लिए जो कुछ आरक्षण दिया है, मैं और समाज को कुछ भी दुख नहीं दूंगा, लेकिन मैं समाज के लिए, मेरे लिए नहीं, समाज के लिए मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो नियम महाराष्ट्र में लगा है आदरणीय हमारे वसंतराव नाईक जी ने, इस समाज को जो आरक्षण दिया है, तो आज महाराष्ट्र में कहीं मेरी बहन कहीं मेरे भाई सर्विस पर है, लेकिन जो 6 राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, इन राज्यों में कम से कम, मैं और कुछ नहीं बात कहूंगा, जो महाराष्ट्र में ये 3.5% जो समाज को आरक्षण है, वो ये सारा का सारा ये राज्य में लागू हो जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। जय श्री कृष्ण। और तुम जैसे विचार तो करो, आज भारत देशेर सारी जनता सेवा भारो गुण गारो छ, जरा 2 मिनट शांतो बेसियो तो आई वालो तुम्हारो सारी भलो करिए।
जय सेवालाल, जय सेवालाल। पोऱ्यागडचा गोरुरी काशी वोते लगून हाक जायची आहे। आज हमारे बंजारा समाज न सेवा बाहर काशी पर ये हाक जायची आहे करण। जय सेवालाल, जय जगदम्बा भवानी, जय बालाजी भगवान, जय गुरु गोविंद सिंह महाराज, पवन सुत हनुमान गादी की, रामचंद्र भगवान की, सब साधु संत की, जय जगदम्बे भवानी। आज इस पवित्र भूमि में अखिल भारतीय बंजारा लबाना नायकवाड़ा हिंदू बंजारा समाज का महायज्ञ कुंभ मेला बड़े धामधूम से मनाया जा रहा है। आज के पंचम दिन में इस कुंभ मेला में हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम जी योगी नाथ जी इस कार्यक्रम में सहभागी हैं। बड़े भाग्य की बात है और इस कुंभ में हमारे धर्म जागरण के भैया साहब जी जोशी जी हैं, उसी तरह से शरद राव जी ढोले साहब हैं। इस व्यास पीठ पर हमारे बहुत बड़े बड़े संत लोग इस उपस्थित में हैं। मैं तमाम सब भक्तों को यही कहता हूं कि आज का भाग्यशाली दिन है। इस महाकुंभ में हमारे गोपाल जी महाराज हैं, राम सिंह जी महाराज हैं, बंजारा लबाना समाज के सभी संत लोग उपस्थित हैं। मैं यही सब भक्तों को कहता हूं जो हिंदू धर्म का रक्षक के बारे में, रक्षक के बारे में जो धर्म जागरण के हमारे इस महाराष्ट्र धर्मांतर और लोजुओं के विरोध में कानून बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में हमें यह जो 6 दिन का बंजारा कुंभ मेला आयोजित किया गया है, इस मुख्य उद्देश्य धर्मांतर रोकने के बारे में इस कुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ में विषय के संदर्भ में मैं शासन को विनती करता हूं, महाराष्ट्र में धर्मांतर का कानून बनाया जाए, शासन को अतिसिद्ध निर्णय आवश्यक करना है और बंजारा समाज को धार्मिक तीर्थ क्षेत्र विकास के बारे में महाराष्ट्र में हमारे बंजारा समाज के प्रमुख स्थान पोरियागढ़ है। इस पोरियागढ़ के धरती पे हर जगह में जहां जहां धर्म का अधिक व्यवस्था है उसी सभी भी हमारे देवस्थान पोरा देवी के सभी मंत्रों ने शासन को अभिनंदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी यही प्रश्न हमारा
बंजारा समाज तीर्थ क्षेत्र के बारे में शासन प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के बंजारा समाज अन्य प्रमुख तीर्थ क्षेत्र के विकास को दृष्टि का योजना बनाना है और बंजारा तांडे के विकास के बारे में बंजारा समाज बड़ी मात्रा में धर्मांतर हो रहा है। इसी एक ही कारण है कि बंजारा समाज गरीब है, इसीलिए यह महाकुंभ समिति ने शासन से निवेदन करता हूं, तांडे का अधिक विकास होते हैं, तांडा सुधार समिति बनाकर प्रत्येक तांडा को विकास का सौभाग्य मिलना चाहिए। और नया कत्लखाना के लिए हमारे शासन को नया मान्यता ना दिया जा गया है। परम पूज्य सेवालाल महाराज बंजारा समाज के कुल देवता है, जिन्होंने सेवादास महाराज ने पूरा भारत देश सेवादास महाराज गौ रक्षक थे, गौ पालन करते थे। सेवादास महाराज का 3,755 गौधन लेके कर्नाटक स्टेट से पूरा देश सेवादास महाराज ने भ्रमण करके व्यापार स्वरूप में गौ चावल मक्का का व्यापार किया वाला है। लेकिन इस बंजारा महाकुंभ के समिति को मैं नम्र विनती करता हूं कि इस महाराष्ट्र के जो कत्ल खाना है इसको मान्यता देने का नहीं देना चाहिए। मैं प्रत्येक दांडे में सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र उभारने का संकल्प करता हूं। हमारा समाज मतांतर के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव से आना चाहिए। हमारा समाज में सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के पुरोहित परंपरा है। इस महाकुंभ में हमारे बंजारा समाज के संस्कृत के लिए कम से कम 400 महा टोल भी बना चुका है। ये सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम के प्रदर्शन किया है और हमारा समाज में चलने वाले ये सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा के लिए पीढ़ी को जल्दी पहुंचा सके। धर्मांतर रोकने के लिए सभी सुविधा आज हर तांडे तांडे में जिस पवित्र स्थान में एक नंगारा का स्वरूप बना है, उसी तरह से हमारा पूरा भारत देश में प्रशासन को धार्मिक की सुविधा करना। मैं सभी आज हमारे इस कुंभ मेला में हर देश देश से हर प्रांत प्रांत से सभी लोग हमारे कुंभ में सहभागी हैं। इस कुंभ मेला में हमारे महाराष्ट्र के सभी भी आमदार खासदार हमारा बंजारा समाज के सभी भावी भक्त लोग हर देश देश के साधु संत इस कुंभ मेला में सहभागी हैं। ये कुंभ मेला आज हमारे भारत देश में बंजारा समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है।
इस कार्यक्रम को भारत देश से बड़े बड़े साधु संत इसमें सहभागी हुआ है। मैं यही सबको कहता हूं, हमारे समाज को जो कई सहूलत है, हमारे गुरुजी भगवान रामराव जी बापू कहते थे, हमारे बंजारा समाज को तीन चीज की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। इस धरती पे हमारे समाज के लिए रोटी और कपड़ा मकान की जो सहूलत देंगे तो हमारा समाज ऋणी रहेगा। मैं यही कहता हूं, आज सब पूरा धर्मा जागरण के हमारे ये कुंभ मेला के सब आयोजक ने इस कार्यक्रम को बड़ी खुशी से बनाया है। आज का ये शुभ कार्य को मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब मिलके इस कार्यक्रम में उपस्थित होके इस महाकुंभ का लाभ लिया है। वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान रामचंद्र जी, भगवान हम सब मानव रूपी है, हमको अच्छा सत बुद्धि दे, सत कार्य दे, सत धर्म का विजय हो और धर्म का नाश हो, यही आराधना करके मैं पिछले बात सुनता हूँ। जय सेवालाल, जय मर्यामा, जय गुरु भगवान। धन्यवाद गुरुवर्य। अभी इसके बाद महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सियावर रामचंद्र की, सेवालाल महाराज की, सेवालाल महाराज की। धन्यवाद गुरुवर्य, आपके ही विचार समाज को धर्म संस्कृति की पालन करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। और मैं अभी इसी धर्म सभा के मंच से, इसी धर्म सभा के माध्यम से जो अगला कार्यक्रम है वह कार्यक्रम कहने जा रहा हूं, कुछ तांत्रिक बिघाड़ों से। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।